बच्चे भी थे? बच्चे? बच्चे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे सर। हम लोग बहुत दया आ रहा था सर, रो रहे थे ना सर, से बता रहे सर ना, सब लोग 10 लोग सोच रहे थे कि 10 लोग का नंबर आता सर, हम लोग को पूछ रहे थे कहाँ पे हो भाई, ये लोग आप उतर के चले गए यार तुम लोग, हम लोग को बोगी में सोचकर शाम से, वो लोग खाना नहीं मिला था सर, क्या करेंगे, और झगड़ा कर लिए थोड़ा, मारी मारा कर लिए, उसके बाद लोग गुस्सा में फिर बोले नहीं जाएंगे हम लोग कहीं पे अपना बस से, कहीं पे अपना पैसा लगा के खर्चा करके चले जाएंगे, बाकी सरकार की गाड़ी से नहीं जाएंगे हम लोग, वो लोग चले गए। हम लोग हिम्मत बांध के अपना भूखे पेट रख के चले हैं हम लोग। मालूम है सर हमें तो बहुत प्यार है सर, हम लोग अपना पेट नहीं देख रहे थे, छोटा छोटा बच्चा था सर, हम लोग नहीं खा रहे थे चले गए, बाकी सर बिस्किट मिल रहा था सर, हम लोग जाके जबरदस्ती बिस्किट छोड़ के एक आदमी से लेके आके बच्चे के खिलाए, बच्चे के पानी पिलाए, बच्चा लोग रो रहा था सर। पीयूष गोयल जी, भारतीय रेल ने आउटर पर खड़े होकर कई बार घंटों इंतजार कराया है, सच कहूं बहुत खींच आई, उतरने के बाद दो चार बातें कहीं और भूल गए हम, यह लापरवाही। कई बार जब महंगे टिकट्स खरीद कर सीटों की बदहाली देखी तो ट्वीट किया, मैसेज मिला काइंडली लुक इनटू इट, फिर मैसेज इधर उधर घूमते रहे, भटक गई आपकी रेलवे, सहायता नहीं मिली, फिर भी हम इस शिकायत को भी भूल गए। लेकिन आज जब कोरोना वायरस के बीच गांव घर लौटते मजदूरों की आप बीती सुनी तो भारतीय रेलवे ने उम्मीदों को एक बड़ा जख्म दे दिया। खाना लेके पैसे लेके बेच रहे सर हम लोग, कौन से स्टेशन पे लाओ? इन फटे हुए घावों को लेकर चीखना जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि आपकी भारतीय रेलवे में क्या हो रहा है, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब आइए मजदूरों के जख्म दिखाते हैं आपको, तसल्ली से सुनिएगा, टीवी प्रोग्राम्स में सफाई देने वाले शेड्यूल्स को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला, गांव का नाम है केराकत। यहां से अनिल 9 महीने पहले बेंगलोर गए थे नौकरी करने। 2500 रुपए में किराए पर कमरा लिया, 7 लोग रहते थे उसमें। माता पिता को पैसे भेजते थे ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो सब ठप हो गया, सभी कमरे में कैद हो गए। एक वक्त तो कनस्तर भी खाली हो गए। घर से 5000 रुपए मंगाए थे, पर कर्नाटक सरकार ने मदद की। अनिल कहते हैं, हमें ट्रेन खुलने की जानकारी हुई तो किसी तरह टिकट लिया। 21 मई की शाम 6:45 पर बेंगलुरु के चिकबनवारा से ट्रेन खुली तो हमें 2 बोतल पानी और खाने का पैकेट दिया गया था। इसके बाद की यात्रा ने हमें झकझोर कर रख दिया। हमें 21 मई के बाद 23 को खाना पानी मिला। जब हम नागपुर पहुंचे, बोगी में लोग रो रहे थे, बच्चे भूख से चीख रहे थे। ट्रेन रुकती थी ना तो लोग पानी के लिए खेतों की तरफ निकल जाते थे। ट्यूबवेल से पानी भरते और ट्रेन में बैठ जाते। कई लोग तो गाड़ी से रोते हुए उतर गए। यह गाड़ी बस्ती की तरफ जा रही थी, मैं लखनऊ उतर गया। वैसे ये कहानी किसी एक अनिल की नहीं है, पीयूष गोयल जी गजब तमाशा बनाया है आपकी भारतीय रेल के अधिकारियों ने मजदूरों का। महसूस कीजिए भूख से बेहाल बच्चों की चीख, मजबूर माँ बाप की सिसकियां और हाथों में हाथ बांधकर तमाशबीन बने आपके अफसर, आपकी व्यवस्थाएं। यकीन मानिए बहुत जाहिल लग रहा है आपका विभाग, जो यह नहीं पहचान पाया कि हिंदुस्तान की हर तरक्की वाले किस्से में इनका मजबूत हाथ है। खैर अब नासूर बन रहा दूसरा घाव भी देख लीजिए। पीयूष गोयल जी, मेरा नाम की महिला 22 मई को दिल्ली से गोरखपुर की रेल यात्रा कर रही थी। रात तकरीबन 8 बजे ट्रेन में सवार हुई। पूरी रात गुजर गई, दिन बीत गया। दिन में ना खाना मिला ना पानी नसीब हुआ, बोगी में बच्चे भी थे। हालत क्या थी ये आप खुद सुन लीजिए। जी प्रॉब्लम तो बहुत हुई। देखिए कल सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक जो है खाना तो मिला नहीं हमें। बीच में जो भी मिला हमें तो एक बार ही रेलवे तरफ से एक बार ही मिला, जो कि गोंडा में मिला हमें, वो था केला।
और दो एक बिस्किट का पैकेट और एक नमकीन या बिस्किट टाइप का कुछ था जी बस, और एक पानी का बोतल। उसके बीच में हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मतलब इस स्टेशन पे भी उतरने के लिए मना ही थी बिल्कुल ही। वो साफ साफ अनाउंस कर रहे थे कि अगर आप उतरेंगे तो आपके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो वहाँ से आप लोग जब चढ़े होंगे तब आप कुछ पानी वानी लेकर के चढ़े होंगे, और वो तो कुछ टाइम में खत्म हो गया होगा। हाँ जी, वहाँ से हमें जब हम चले थे तो बस में हमें नाश्ता कुछ दिया था हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पानी, एक पानी की बोतल थी और एक फ्रूटी और दो मछली और एक बिस्किट का और एक नमकीन का पैकेट। अच्छा, तो रास्ते में कहीं भी कोई भी ऑफिसर कुछ पूछने नहीं आया कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं? जी नहीं, कोई कुछ पूछने नहीं आया। मैंने 3-4 बार फोन भी किया तो वो बार बार यही कह रहे थे कि आपको गोंडा में मिलेगा, लेकिन गोंडा पहुँचते पहुँचते तकरीबन हमें 7 बज गए। कल सुबह से कल शाम को हमारी ट्रेन निकली थी यही 8:37 के आसपास। 8:37 के आसपास, और अभी 7 बजे के आसपास आपको नाश्ता वगैरह दिया गया है। जी जी, ये दोनों मामले यूपी से भी जुड़े हैं। योगी सरकार के अधिकारी रोज शाम को ब्यौरा देते हैं कि कितनी ट्रेनें आ रही हैं, कितने मजदूर आ रहे हैं। पीयूष गोयल जी भी खूब पीठ थपथपाते हैं। बिल्कुल, काम बड़ा है तो वाहवाही बटोरनी भी चाहिए, लेकिन इस वाहवाही के बीच हमें हर गुनाह भी गिनना चाहिए। काइंडली लुक इनटू इट के हर मैसेज की पड़ताल करनी चाहिए कि ट्विटर ने इस जवाब के साथ कितनी मजबूरियों को खामोश कर दिया है। कितने लोग इस जवाब के साथ यह मानने लगे हैं कि सरकारी सिस्टम है, कुछ नहीं हो सकता। खैर, देखिएगा, जख्म गहरा है।